और अब प्रधानमंत्री इस वक्त हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी कुछ देर में हम उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल ये दृश्य हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। जनसभा को संबोधित किया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनोद जी, हम लगातार ये तो देखते हैं, पिछले 2019 के इलेक्शन में देखिए कि पीएम मोदी ने किस तरह से तेलंगाना के एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके एक एक लोगों से उन्होंने जो संवाद बनाया था, तो बीजेपी का पहली बार तेलंगाना में, आप सोच सकते हैं, ये पहली बार आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी बीजेपी को, चार लोकसभा में वहां बीजेपी के चुन के आए थे। और तेलंगाना के पिछले चुनाव का 2018 में भी देखे तो पीएम मोदी ने जम के वहां पे इतना चुनाव प्रचार प्रसार के साथ साथ एक स्टार प्रचारक के भूमिका में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने उम्मीदवार को जिताने में कितना कामयाब हो गए ये बात तो कहना है कि चार सीटें उनको सिर्फ मिली। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप दो दो बार के जो बीआरएस का जो आप देखिए पार्टी का तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो बीआरएस हो गया है, उसके साथ में कांग्रेस का ये पार्टी जो है वो ग्रासरूट पर और भी मजबूत हो सके। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो विध्याचल पार जो उनका कमल कर्नाटका में खिला था, बंगलौर में खिला था, उसके बाद पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि दक्षिण के अन्य राज्यों में कैसे पैर पसारा जाए। उस कड़ी में कहीं ना कहीं तेलंगाना में बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली थी, जब चार लोकसभा क्षेत्रों में वो कामयाब हो पाई थी। तो ऐसे में बीजेपी अपने प्रदर्शन को हर हाल में दोहराना चाहती है, बीजेपी सत्ता में आना चाहती है ताकि संपूर्ण जो दक्षिण भारत की सियासत जो क्षत्रिय क्षेत्रों के हाथों में घूम फिर कर आ रही है उसको रोकने में कामयाबी भी मिले और राष्ट्रीय राजनीति से दक्षिण भारत को एक अरसे बाद जोड़ा जा सके। क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगभग हम कह सकते हैं कि कर्नाटका में कांग्रेस की भले ही सरकार बन गई हो, लेकिन आपने आंध्र प्रदेश में देखा, तमिलनाडु में देखा या फिर तेलंगाना में आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो दिनों दिन कमजोर होती चली गई। कर्नाटका में भी कांग्रेस का हाथ आपने पहले भी देखा कि कई टुकड़ों में थे, मेंटेन करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का आलम हम कह सकते हैं कि कई मरतबा ऐसा देखा जाता है कि जहां बीजेपी थोड़ी घटती बढ़ती दिखाई पड़ती है, पीएम मोदी के रोड शो और पीएम मोदी की जो रैलियां हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाते हैं, जनता में उसका इम्पैक्ट भी होता है। और आज भी हमने देखा कि पीएम मोदी ने किस तरीके से जनता के साथ अपने को एसोसिएट किया, छोटी छोटी चीजों का जिक्र कर वो जनता से अपने को जोड़ते हैं। कल हमने देखा निर्मल की एक सुबह में भारत माता का एक जो है भारत माता के निवास में एक बच्ची पहुंची थी, झंडे खिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन कर रही थी, पीएम मोदी ने जमकर उसकी सराहना की। मंच से वो नीचे जहाँ पर डीडी न्यूज का कैमरा लगा हुआ था वहीं पर वो बच्ची खड़ी थी और पीएम मोदी की नज़र दूर उस बच्ची पर पड़ती है, बच्ची का हौसला बढ़ाते हैं और युवाओं से प्रेरणा लेने के लिए कहते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हमारा एक काम करोगे, जो लोगों ने कहा कि बिल्कुल करेंगे, कहा कि आप घर घर जाओगे और लोगों से कहे हैं, लोगों के साथ जनता के साथ सीधा संवाद करते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं एक वानगी स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से चारों दिशाओं में जो लोग खड़े हैं उन लोगों को हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि पीएम मोदी ठीक है। राजेश, आप जगह जगह घूम रहे हैं तेलंगाना में और जिस तरह से आपने कहा कि जो बड़ा मुद्दा लोगों से बातचीत कर निकल के आ रहा है वो बेरोजगारी का मुद्दा निकल के आ रहा है, साथ ही साथ पलायन का मुद्दा वहाँ पर निकल के आ रहा है, तो इस सब के बीच पिछले कुछ सालों में जो वहाँ पर जितने भी रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोसेस चली थी उन प्रोसेसेस में कई तरह के भ्रष्टाचार वहाँ पर सामने आए हैं, ये सब जो भ्रष्टाचार का मामला है वो क्या कहते हैं लोग उस बारे में? देखिए, भ्रष्टाचार की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं आज जब मैंने ऑटो वाले लोगों के साथ बातचीत की, उनके साथ सवारी भी की,
तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे दुख दर्द में वो शामिल नहीं हो पाते हैं। 12,000 रुपए आंध्र प्रदेश की सरकार ऑटो रिक्शा चालकों को देती है लेकिन तेलंगाना सरकार नहीं देती है, तो ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की ये मांग थी कि 12,000 रुपए उन्हें मिलने चाहिए। और आप रिजोर्स में देख पा रहे होंगे चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो के आखिरी पड़ाव में दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने वीर सावरकर को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके जो मूर्ति थी उनके जो। మీకు మా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.